दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फिर से बीएड कैसे बनाते हैं वो हम बताएंगे आप लोग को। वीडियो पूरा देखें। थोड़ा पानी स्प्रे से मारना है। उसके बाद क्लीनिंग करना है। ये क्लिंजिंग थोड़ा गाड़ी को सॉफ्ट करता है, नरम करता है, इससे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होता है। टॉवल से पोंछ लेना है सही से। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कैसे आपको ब्लेड चलाना हो हम आपको बताएंगे। पहले तो आप क्रीम लगाएं, ब्रश को अच्छी तरह से पकड़ के हाथ इसमें रखना है। का थोड़ा ये होता है कि ब्लेड मारने में थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ घुसा हुआ है, यहाँ घुसा हुआ है, कैसे चला दिया वो हम आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो अंतर देखते रहें, अगर सीखना चाहते हैं अपना जल्दी ऐसे लगाना है। इसको ऐसे पकड़ना है, ये थोड़ा नरम है, इसको थोड़ा खींच लेना है। जहाँ जहाँ गड्ढा है व्हाइट व्हाइट दिखेगा क्योंकि यहाँ छूट रहा है। अब इसको क्या करना है, हल्का खींचना है। फिर इसको ऐसे पकड़ करना है। तो जो क्या गाँव में डेली लागू है लागू, आराम आराम से चलाना है। अब इसको यहाँ तो गड्ढा है, घुसा हुआ है, इसको भी ऐसे खींचना है। हमको ये मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद ये पोजीशन में थोड़ा दिक्कत होता है, इसको ऐसे रखना है, जूम कर लेना, ऐसे मारना है। इस जगह पे देख सकते हैं ऐसे निकालना। ब्लेड के बारे में बता, लेजर के बारे में बता, आराम आराम से निकालना। अब ये तो निकल नहीं रहा, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर भी हल्का छूट जा रहा है, क्या करना है, बहुत थोड़ा फाड़ी तो ऐसे कर लेना है, ऐसे खींच लेना है, निकल गया। इसको क्या करना है, ऐसे समझना है। सेम प्रोसेस इधर भी करना है, हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा खींचना भी नहीं है। स्टॉप करना है।
फिर इधर आने के बाद इसको भेजते जाना है, रेजर को आगे बढ़ाते जाना है। ऐसे करके बीच के आराम से पकड़ना है इस टाइप से। इसको हल्का से देखिए छू रहा कर इसको ऐसे पकड़ के निकल गया। जब यहाँ बच रहा हल्का सा तो इसको ऐसे करके ऐसे करना है। सेम प्रोसेस जो इधर निकालने इधर भी उसी तरह करना है। फिर भी छूट रहा है नीचे नीचे। बीच वाले को इस जगह पे करना कुछ नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आता है कि इधर इधर कर लेते हैं सर, नीचे वाला तो कर नहीं पाते हैं। तो आपको ये चीज़ को पकड़ना है, थोड़ा सा खींचना है, देखिए ऐसे करने से ये लेवल आ जाता है, आराम से आप रेजर चला सकते हैं। इस तरफ से इधर भी वैसे करना है। मेरा ये बन के तैयार है। अगर आपके पास फिटकरी है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि कटा वगैरह रहता है वो इससे थोड़ा अच्छा हो जाता है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छे से पूरा फेस पे लगाना है, फिर से पानी मारना है, टॉवल से पोंछ लेना है। ये है आफ्टर शेव, देख सकते हैं इसको फेस में लगाया जाता है शेविंग करने के बाद। इसको अच्छा से थोड़ा सा रिमूव कर देना है। गाइस होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। बियर्ड कैसे बनाया जाता है आप लोग तो देख लिए, बस वैसे ही फॉलो करते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाबा को पूछ लेते थोड़ा कैसा लगा, कैसा लगा बाबा? ठीक लगा, बहुत अच्छा ना? बहुत अच्छा, थैंक यू।